नमस्ते, मैं अनीता बलवीर, अनीता बलवीर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये कुकुडेची भाजी है, कुकुडेची भाजी, और इसे अपामार्ग के भाजी भी कहते हैं। ये भाजी बहुत उपयोगी होती है, बारिश के मौसम में अपने आप ही खेतों में उगाती है। ये देखिए, और ये भाजी को मैंने पत्ता पत्ता ऐसे तोड़ लिया है और दो तीन पानी से धो लिया है। ये देखिए, ये ऐसी होती है ये भाजी, मैंने इसको धो के रखा था। और इसमें ऐसे है ये रहते हैं, तो ये भी बहुत उपयोगी होते हैं, पर मैंने इनको रखे लिए नहीं है। सिर्फ मैंने इन भाजियों को ऐसे पत्ता पत्ता तोड़ के तीन चार पानी से धो लिया है। देखिए ऐसे, ये आपको बताने के लिए रखा था मैंने ये डंठल। और देखिए, अब मैं इसको काट लूँगी। तीन चार पानी से धोने के बाद में मैंने पानी भी पूरा हमारा निकल चुका है, और मैं इस भाजी को बारीक बारीक काट लूंगी। हम इस भाजी को तीन चार प्रकार से बना सकते हैं, पर मैं आज बनाऊंगी बहुत ही सरल विधि से। देखिए, मैंने भाजी को बारीक काट लिया है कैंची से, या फिर चाकू से भी काट सकते हैं, जैसे अपन को सुविधा चले। पैन को हमने धो के लिया है और उसमें डालेंगे हम तेल। इस भाजी में थोड़ा तेल ज़्यादा रहा है तो अच्छी लगती है ये भाजी। तेल गर्म हो चुका है हमारा, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और बारीक कटी हुई लहसुन, और लहसुन को सुनहरा होने तक भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज, एक बड़ा कटा हुआ प्याज है ये। और इसी में हम डाल देंगे मिर्ची, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने ये लाल मिर्ची ली, लाल मिर्ची को मैं बारीक बारीक थोड़े करूँगी। जितना भी हम चरका खाना पसंद करते हैं उससे मिर्ची डाल सकते हैं। प्याज को हम जब तक भूनेंगे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज हमारे सुनहरा होने तक भून चुके हैं, अब हम डाल देंगे भाजी। ये भाजी बारिश के दिनों में अपने आप ही उग जाती है, इसकी खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निसर्ग निर्मित भाजी है ये। देखिए, मैंने ढककर रख दी थी भाजी को और धीमी आँच पर पकने दिया। धीमी आंच पर पकने के बाद में ये देखिए, भाजी में ऐसा पानी छोड़ दिया है भाजी ने, है ना, और इसी पानी से हमारी भाजी पक के रेडी होती है। अब हम इसको थोड़ा आंच को तेज कर देंगे गैस को, और इस पानी को पूरा काटने देंगे, पूरा जलने देंगे इस पानी को। देखिए, हमारी भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। भाजी ने भी इस पैन को छोड़ दिया है, और अब हम गैस को करेंगे बंद। देखिए, अपनी अपामार्ग की भाजी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको आज की अपामार्ग की भाजी बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।